इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी वालों देश भर के छापेमारियां की जा रही ने, जिस तहत वड्डी मात्रा के पैसे जब्त किए जा रहे हैं। इस छापेमारी के चलद ईडी वालों मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कोलकाता स्थित एक मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी के प्रमोटर से छापेमारी की गई है, जितों इन्ना ज़्यादा कैश बरामद होया कि इसनों देख के ईडी के अधिकारी भी हक्के बक्के रह गए। चंगी बैंक दे विच भी इन्ना कैश मौजूद नहीं हुंदा। केंद्रीय जांच एजेंसी ने जब्त किए गए पैसों की एक वीडियो भी जारी की है, जिस विच 500 2000 अते 200 दे नोटां दे बंडलां दा ढेर लग्या होया दिखाई दे रहा। एक तरीके दे नाल नोटां दा जखीरा बरामद होया। ईडी अधिकारियों ने जदों नोटों की गिणती करनी शुरू की तो नोट गिणते गिणते उन्होंने हाथ थक गए, जिस तों बाद नोट गिणन दे लई पंज मशीनां मंगवाउणियां पईआं अते बैंक तो कई कर्मचारी भी नोट गिणन दे काम दे विच लगाए गए। ईडी मुताबिक 17 करोड़ रुपए की गिणती की जा चुकी है, पर नोट अजे भी खत्म होने का नाम नहीं लै रहे। ईडी मुताबिक ई नगेट्स नां दी गेमिंग ऐप अते इसदे प्रमोटरों की पहचान आमिर खान दे ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। CRPF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ED ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗਾਰਡਨ ਰੀਚ ਪਾਰਕ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਮੋਮਿਨਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। RBI ਵੱਲੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਰੱਕ ਵੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਛਾਪੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਮਰਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਿਣ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ। दरअसल ईडी तो इलावा CI अते CID वालों पिछले कुछ दिनों तो अध्यापक घोटाला, पशु तस्करी, कोला घोटाला, चिटफंड घोटाले नूं लै के पछम बंगाल विच ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है, जिस तहत ईडी की टीम वालों कलकत्ता विच 6 थावां ते छापेमारी की गई है। मन्या जा रहा है कि छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग नूं लै के की गई है। इसे दौरान गार्डन रीच विच कारोबारी निसार अहमद खां दे घर ते की गई रेड दौरान भारी मात्रा विच नकदी बरामद हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हमदर्द TV।